पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में शिक्षकों की एमपी शिक्षा भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। कमलनाथ ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में 2011 के बाद शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया की थी, जिसमें 19,000 से ज्यादा अधिक उच्चतर माध्यमिक और 11,000 से ज्यादा माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में सिर्फ दस्तावेजों का सत्यापन होना था, लेकिन उस वक्त प्रदेश में आपकी सरकार बन गई और प्रक्रिया लंबित हो गई और अब आपकी सरकार आने के बाद चयनित अभ्यर्थी शिक्षक पद पर नियुक्त के लिए बाट जो रहे हैं। साथ ही कमलनाथ ने लिखा है कि कांग्रेस की सरकार इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कटिबद्ध थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन की वजह से इनकी नियुक्ति अधर में है और प्रदेश के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। साथ ही ये अभ्यर्थी सरकार के प्रति आक्रोशित भी हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने का प्रक्रिया प्रारंभ करें। धन्यवाद, आपका कमलनाथ। कमलनाथ के इस पत्र के बाद अभी तक सीएम शिवराज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सीएम शिवराज कमलनाथ के निवेदन को जरूर मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।